प्रीवियस वीडियो में हमने क्लाउजर ऑफ ए, क्लाउजर ऑफ सेट ए उसकी डेफिनेशन और उसकी जो इंपॉर्टेंट तीन थ्योरम थी उनको प्रूव हमने किया था। आज के इस वीडियो में हम इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन इसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे और इसकी जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है उनको इसी वीडियो में प्रूव करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए। ओके, तो यहां पे सबसे पहले मैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करता हूं इंटीरियर पॉइंट की। लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टो सच दैट x belongs to z and z is the subset of a, ठीक है, ये पहले भी पढ़ा था हमने ये वाली कंडीशन नेबरहुड में, है ना। तो अंतर समझेंगे यहां पे। सबसे पहले इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन देखते हैं। x तो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और x सेट का कोई भी एक सबसेट हमने a ले लिया, देगा या ये आपको देगा ना, a देगा आपको, देन x belongs to A, इस सेट A का कोई भी एलिमेंट सपोज x, वो जो एलिमेंट है वो जो पॉइंट है वो A का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। कब कहलाएगा? देयर एग्जिस्ट ओपन सेट z belongs to टो, किसी भी एक ओपन सेट के लिए, किसी भी एक ओपन सेट के लिए अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो। और ये कंडीशन क्या है कि वो एलिमेंट जो आप A से ले रहे थे ना वो z में बिलोंग कर जाए और z A का सबसेट बन जाए, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो जो x पॉइंट हमने लिया था वो a का इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। और नेबरहुड में क्या था, यहां पे देखो नेबरहुड की अगर मैं बात करूं तो नेबरहुड में भी यही कंडीशन थी, सेम डेफिनेशन थी, ठीक है, लेकिन वहां पे हम इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड बता रहे थे और यहां पे इस पॉइंट को इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बता रहे हैं। यहां पे क्या बता रहे हैं, फिर से सुनो, इस पॉइंट को इस सेट का नेबरहुड बता, इंटीरियर पॉइंट बता रहे हैं, और वहां पे हमने क्या बताया था, इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड बताया था। बस ये अंतर है दोनों में, डेफिनेशन दोनों की सेम थी। ओके, ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज नोट करनी चाहिए स्टार लगा के, और वो क्या, ए नोट। ए नोट क्या होता है, ए नोट इज कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट बनेंगे उन सभी का कलेक्शन किया जाए, यानी उन सभी का एक नया सेट बना दिया जाए, तो उस सेट को ए नोट से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ए नोट क्या है, ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उन सभी का एक सेट है। ओके, आपको दो पॉइंट पे फोकस करना चाहिए, और ये दो पॉइंट क्या, देखो यहां पर अगर आगे जब हम थ्योरम करेंगे तो उनमें या फिर किसी क्वेश्चन में ये लिखा जाए x belongs to a node, तो इसका मीनिंग समझो आप। सबसे पहले ये देखो a node का मीनिंग क्या है, a node किसको डिनोट कर रहा है कि a के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उन सभी का सेट है, है ना। तो उस सेट में से x भी आ रहा है, ये किसका सेट था, इंटीरियर पॉइंट, एक इंटीरियर पॉइंट का, है ना, और उसी का एक एलिमेंट x है, इसका एक एलिमेंट x है, और ये किसको डिनोट कर रहा था, a के इंटीरियर पॉइंट को, है ना, और ये पॉइंट उसी सेट में से आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो x है वो भी a का इंटीरियर पॉइंट है, तभी तो उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दैट इज x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ a, तो जहां भी x belongs to a नोट लिखा आ जाए तो उसका मीनिंग आप क्या समझोगे, जो x है वो a का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या, ये जो a नोट है और जो a है इनमें रिलेशन क्या है, ठीक है। तो देखो आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास जो x सेट है ना, चलो उसमें मान लो 100 एलिमेंट्स है, x सेट में 100 एलिमेंट है, ठीक है, और उसका जो सबसेट है इन 100 में से मान लो 10 एलिमेंट a में आ रहे हैं, भाई x का सबसेट है तो इन्हीं 100 में से होंगे ना, 10 एलिमेंट मैंने मान लिए, ठीक है, a में 10 एलिमेंट हैं, ओके, और मैं रिजल्ट फाइंड कर रहा हूं a और a नोट के लिए, तो a नोट का मीनिंग क्या था,
ए नोट किसको डिनोट कर रहा था? कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए। तो ए के इंटीरियर पॉइंट, मैक्सिमम इंटीरियर पॉइंट कितने बन सकते हैं? जितने ए में एलिमेंट होंगे। भाई ए के ए में कितने एलिमेंट है? 10 एलिमेंट है। जैसे हमने ये लिया था ए का एक एलिमेंट एक्स, तो ए के कितने एलिमेंट ले सकते हैं? जितने इसमें होंगे। अगर वो सारे के सारे इस कंडीशन को फॉलो करें, अगर ए के सारे एलिमेंट इसको फॉलो करें, इस कंडीशन को फॉलो करें, तो सारे ए नोट में जाएंगे, यानी ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे। तो कितने मैक्सिमम आए? जितने ए में एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो ए नोट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं मैक्सिमम? जितने ए में एलिमेंट होंगे, ओके। मैक्सिमम कितने? मैक्सिमम एलिमेंट्स इन ए नोट जितने ए में हैं, और ए में कितने थे? 10 थे, तो 10 आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अब मैक्सिमम बताया मैंने, तो हो सकता है 9 ही एलिमेंट बने, एक एलिमेंट ऐसा हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो कितने आए? 9 हो गए। हो सकता है 2 एलिमेंट इसको सेटिस्फाई ना करे, तो 8 ही एलिमेंट आएंगे, यानी 10 से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। 10 से कम हो सकते हैं, और 10 से कम, कम कितने हो सकते हैं? मिनिमम की अगर बात की जाए, मिनिमम एलिमेंट इन ए नोट, हो सकता है एक भी एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, 0 हो सकते हैं ऐसे। तो मिनिमम 0, मैक्सिमम जितने ए में है, तो 0 से और 10 तक मिल सकते हैं, अगर मैंने एग्जांपल लिया 10 के लिए तब, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसमें तो फिक्स है 10 एलिमेंट है, और ए नोट में 10 भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहे ना। इसका मतलब ए नोट ए से छोटा हो गया, क्योंकि ए नोट में मैक्सिमम 10 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, 10 से ज्यादा नहीं होंगे, 10 से कम ही हो सकते हैं या 10 हो सकते हैं। इसका मतलब ये वाला इसका सबसेट बन गया, ओके। तो सेकंड कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, जो ए नोट है वो सबसेट है किसका? ए का। ऐसी ही कंडीशन हमने क्लोजर में फाइंड की थी, बार वाले में, उसमें इसका उल्टा था। तो उसमें क्या था? जो ए था वो ए बार का सबसेट था, और यहां पे ए नोट ए का सबसेट आ रहा है, ठीक है, ये अंतर आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आगे अब हम जो थ्योरम करेंगे उनमें काफी हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। लेकिन थ्योरम को करने से पहले हम एग्जांपल करना चाहेंगे, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। तो देखते हैं एग्जांपल को। यहां पे एक्स सेट आपको दे रखा है ABCDE, और उस पर जो टोपोलॉजी बन रही है वो आपके सामने, ठीक है, और दो पार्ट आपको फाइंड करने हैं। सेट ए बोल दिया आपको BDE है, ठीक है, जो x का सबसेट था a, उसमें तीन एलिमेंट है, b है, d है और e है, ओके। दूसरे वाले में a है, c है और d है, दूसरे पार्ट में, पहले वाले की बात करते हैं। तो यहां पे तीन एलिमेंट है ना। अब ये कह रहा है कि जो a है वो मैंने लिखा नहीं, लेकिन हमारा पॉइंट यही चल रहा है, तो हम यही फाइंड करेंगे कि ये जो a है, ठीक है, इसके जो भी एलिमेंट है कौन कौन है, b है, d है और e है, तो हमको चेक करना है कि b पॉइंट a का नेबरहुड बनेगा या नहीं, सॉरी इंटीरियर पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही डी को चेक करेंगे, ऐसे ही ई को चेक करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो बी पॉइंट है ना, इसको देखते हैं। तो कंडीशन क्या थी? जिस भी पॉइंट को आप चेक कर रहे हो, मैं बी को चेक कर रहा हूं, है ना, तो वो जो पॉइंट है वो ओपन सेट जी से बिलोंग करना चाहिए, और वो जो जी है वो ए का सबसेट बन जाना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि जो पॉइंट बी था वो ए का इंटीरियर पॉइंट होगा, ठीक है। तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट देखो, जी का मतलब क्या है ओपन सेट, और ओपन सेट कहां से हम लेते हैं, ये जो टो है यहां से, तो टो में कितने सेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो 6 सेट्स हैं हमारे पास, इनमें से हमको वो सेट लेने, सभी नहीं लेने, वो सेट लेने जो बी को कंटेन कर रहे हैं। तो बी को कंटेन करने वाला एक तो एक्स है, x का मतलब ये पूरा ही है, ठीक है, b को कंटेन करने वाला लास्ट वाला है, b को कंटेन करने वाले दो सेट हैं हमारे पास, हमको तो कम से कम कोई भी एक सेट चाहिए, g ओपन सेट g जो b को कंटेन करे, साथ के साथ a का सबसेट भी बने, ठीक है। तो अगर मैं x की बात करूं, तो ये जो x है ये b को तो कंटेन कर रहे हैं, क्या ये जो x सेट है ये a का सबसेट है? ये वाला इसका सबसेट है, मतलब ये वाला इसका सबसेट है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बी सी डी के अलावा दो एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं,
ठीक है, ये इसका सबसेट है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, तो x वाला तो कैंसिल हो गया, ठीक है, हो सकता है दूसरा आ जाए, ये कैंसिल हो गया, तो कोई भी एक मिलना चाहिए हमको, तो ठीक है b कंटेन कर रहे हैं, ओके, लेकिन ये जो सेट है क्या ये इसका a का सबसेट है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें c एलिमेंट एक्स्ट्रा आ रहा है, ओके, तो ये जो हमको बी कंटेन करने वाले दो ओपन सेट मिले वो दोनों ही ए के सबसेट नहीं बन रहे, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, बी के लिए, तो क्या लिखेंगे, बी इज नॉट इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, रीजन बता दो, एज There does not exist open set G belongs to to such that, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, B belongs to G and G is the subset of A. इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी ओपन सेट हमको नहीं मिला, ठीक है, ओके, अगर मैं बात करूं दूसरे एलिमेंट D की, तो अब इस कंडीशन को देखेंगे, तो सबसे पहले चेक करो D को कंटेन करने वाले कितने आपको ओपन सेट मिल रहे हैं, D को कंटेन करने वाले ये हैं और ये हैं और ये हैं, हमको चार ओपन सेट मिल गए, लेकिन अभी तो आधी ही कंडीशन को देख रहे हैं हम, अब ये जो ओपन चार ओपन सेट है ना, इनमें कोई भी सेट A का सबसेट बन जाना चाहिए, कोई भी एक बन जाओ या एक से ज्यादा जाओ, हमको कम से कम एक तो चाहिए, ठीक है, अगर मैं इसको देखूं तो ये इसका तो सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है, हटाओ इसको, दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले में एलिमेंट क्या क्या है, सी है और डी है, क्या ये इसका सबसेट बन रहा है, इसमें सी आ रहा है एक्स्ट्रा, इसमें तो नहीं है, सबसेट का मीनिंग क्या है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आ जाने चाहिए, तो हम इसको इसका सबसेट बोलते हैं, तो इसका सी एलिमेंट इसमें कहां है, नहीं है ना, तो ये इसका सबसेट नहीं हुआ, हटाओ इसको भी, इसको चेक करो, वही सी वाली कंडीशन, सी इसमें तो है इसमें नहीं है, वही सी वाली इसमें है, अगर एक एलिमेंट भी एक्स्ट्रा आ गया तो वो सबसेट नहीं बनता ना, ठीक है, तो ये जो D पॉइंट है, ये जो D पॉइंट है, ये भी A का इंटीरियर पॉइंट नहीं बना, ठीक है, अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं E की अगर मैं बात करूं तो E को कंटेन करने वाले ये भी है लेकिन ये इसका सबसेट नहीं बनेगा X, तो ठीक है, E को कंटेन करने वाला लास्ट वाला लेकिन ये भी इसका सबसेट नहीं बना था, है ना, ये कंडीशन E के लिए भी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है, तो अब एक को तो हमने लिख दिया, बाकी डी और ई ये भी नहीं है, तो सिमिलरली करके लिख दो आप, है ना, Similarly, D and E are not interior points of A. इसी प्रकार D और E वो भी इस सेट A के interior point नहीं होंगे, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि A के जो भी एलिमेंट थे, है ना, तीन एलिमेंट थे A में और वो तीनों ही A नोट में नहीं आ रहे, क्यों, क्योंकि A के लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे और A के लिमिट पॉइंट नहीं बन रहे तो A नोट में कैसे आएंगे, ठीक है, तो A नोट में कितने एलिमेंट आए, 5, ठीक है, तो आप लिख सकते हो N A नोट इक्वल 0, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, और अगर हम लिखना चाहें A नोट, तो A नोट क्या आएगा, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, नल सेट, ठीक है, ओके, अब दूसरा पार्ट देखते हैं, ये तो पहला था, दूसरे में आपको A, C और D वो तीन एलिमेंट मिले हुए हैं, ठीक है, तो पहले A को चेक करते हैं, ठीक है, A, A को कंटेन करने वाले ओपन सेट देखो, ये है ये है ये है, ओके, X तो A का सबसेट बनेगा नहीं, ठीक है, हटाओ इसको, तो ये एक का सबसेट बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन हमको तो कोई भी एक चाहिए, तो इसमें तो दो दो मिल गए, ठीक है, इसका मतलब A जो है वो एक का लिमिट पॉइंट नहीं, अरे इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन A के लिए सेटिस्फाई हो रही है, है ना, तो क्या लिखें, A इज लिमिट पॉइंट नहीं इंटीरियर पॉइंट, A इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए, रीजन बता दो, एज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, कौन सा ओपन सेट मिला,
ये दो मिल रहे थे तो किसी भी एक को लिख लो, हम तो हमको तो कोई भी एक चाहिए। सपोज मैं इसको लिख रहा हूं ओपन सेट, सेट ए बिलोंग्स टू टो, ये ओपन सेट हमको मिल गया ठीक है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं सच दैट ए बिलोंग्स टू जी एंड जी इज द सबसेट ऑफ सेट ए, जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ठीक है। ओके तो ए इंटीरियर पॉइंट हो गया। अब मैं बात करूं बी की, सॉरी सी पॉइंट की है ना, तो सी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चेक करो सी को कंटेन करने वाला एक्स है लेकिन वो इसका सबसेट नहीं बनेगा तो उसको तो हटाऊं है ना, सी को कंटेन करने वाला ये है। ओके तो ये कंडीशन तो फुलफिल हो गई है। अब आगे वाली देखो कि ये वाला जो ओपन सेट है क्या ये इसका सबसेट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या, बिल्कुल आ रहे हैं, सीडी है, सीडी इसमें भी है, इसका मतलब ये इसका सबसेट बन गया ठीक है, तो ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। या फिर सी इसमें आ रहा है तो ये भी इसका सबसेट बन जाएगा, लेकिन हमको तो कोई भी एक चेक करना है ना, तो यही मिल गया तो आगे जाओ या ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। एक ओपन सेट चाहिए था हमको ऐसा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहां पे जो सेकंड पॉइंट था सी वो भी इंटीरियर पॉइंट बन गया, तो क्या लिखेंगे सी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, रीजन बता दो एज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, ओपन सेट कौन सा सीडी, सीडी बिलोंग्स टू टो सच दैट, ये सी आ जाएगा दिख तो रहे ना आपको, हाँ ठीक है, सच दैट किस पॉइंट के लिए चेक करें, सी के लिए, तो सी उस ओपन सेट में आ रहा है और वो ओपन सेट ए का सबसेट भी है ठीक है। अच्छा अब एक पॉइंट और था इसका डी, डी के लिए चेक करो तो ये ही आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ठीक है, हमको तो कोई भी एक चाहिए और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर हम डी को देखें तो डी को कंटेन करने वाला ओपन सेट है, ये दो हैं तो और भी, ये वाला भी है, लेकिन ये इनके इसके सबसेट नहीं बनेंगे, और ये जो दो सेट हैं ये डी को भी कंटेन कर रहे हैं और ए के सबसेट भी बन रहे हैं, लेकिन हमको तो दो क्या एक चाहिए था, कोई भी एक वो तो मिल गया, तो क्या लिखेंगे डी इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, रीजन बता दो एज देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, और वो ओपन सेट कौन सा सीडी लिख लो या एसीडी लिख लो, सीडी बिलोंग्स टू टो सच दैट डी बिलोंग्स टू जी एंड जी इज द सबसेट ऑफ ए ठीक है। ओके तो ए के तीनों ही एलिमेंट, ए के तीनों ही एलिमेंट ए के इंटीरियर पॉइंट बन गए, इसका मतलब ए नोट किनका सेट बनेगा, जो एक इंटीरियर पॉइंट है उनका सेट, तो एक इंटीरियर पॉइंट ये तीन आ गए ए सी डी, और ये आप देख रहे होंगे ये तो वापस से ए बन गया है ना, और ये आगे चल के थ्योरम भी बनेगी ठीक है। और ये कब, यहां पे जो हमने ए लिया, जो हमने सेट ए लिया है वो देखो कैसे है, वो ओपन सेट है, कैसे कह सकता हूं ओपन सेट है, क्योंकि ये वाला टो से बिलोंग कर रहा है और टो से जो भी बिलोंग करता है वही तो ओपन होता है। अगर आपको कोई भी ओपन सेट दे रखा है, अगर आपको कोई भी ओपन सेट दे रखा है तो डेफिनेटली उसके सारे पॉइंट लिमिट पॉइंट बनेंगे ठीक है। ये हमारे पास ए था, ए ठीक है, ओपन सेट था, तो ओपन सेट है तो ओपन सेट के देखो तीनों एलिमेंट ए के लिमिट पॉइंट बन रहे हैं ठीक है। तो ये आगे चल के आपको प्रूव भी करना है, ये वाला है ना, यहां पे ए कैसा है ओपन सेट है, अगर ए ओपन सेट है तो ए नॉट ए की इक्वल आ गया। ओके अब इसकी पहली थ्योरम देखते हैं, तो अब देखते हैं इंटीरियर पॉइंट की पहली थ्योरम, और इसमें आपको बोला गया है लेट एक्स टो बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन तब आपको ये दोनों पॉइंट प्रूव करने हैं ठीक है। देखो ए नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, पहला पॉइंट ये हमको प्रूव करना है, ए नॉट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ऐसा ही हमने क्लोजर में प्रूव किया था ए बार के लिए। तो ए बार के लिए हमने तीन चीजें प्रूव की थी, क्या एक तो इसको क्लोज्ड बताया था और एक एक को कंटेन कर रहा था, ये प्रूव किया था, और तीसरा क्या प्रूव किया था, एक को कंटेन करने वाले जितने भी क्लोज्ड सेट हैं उन सभी में ए बार सबसे छोटा था ठीक है। ये तीन चीज प्रूव की थी, तो यहां पे भी वैसा ही कुछ प्रूव करना है, लेकिन यहां पे तो ए बार ए को कंटेन कर रहा था और यहां पे ए नोट ए का सबसेट है
यानी ए इसको कंटेन कर रहा है, ये इसको, ए नॉट इसको कंटेन नहीं करा, ए इसको कंटेन कर रहा है, ये इसको कंटेन नहीं करा, क्यों? क्योंकि सबसेट बता रहा है ना, जो ए नॉट है वो खुद सबसेट है किसका, ए का, ठीक है। तो यहां पे हमको तीन चीजें प्रूव करनी है ए नॉट के लिए, और वो तीन चीजें क्या क्या है, एक तो ये कि हमको ए को ओपन बताना है ना, इसको ओपन बताना है, ओके, और दूसरा ए का सबसेट बताना है, सबसेट ऑफ ए, ओके, और तीसरा ए के जितने भी, ए के जितने भी ओपन सबसेट हैं उन ओपन सबसेट में सबसे बड़ा ए नॉट होना चाहिए। ये तीन चीज हम प्रूव करेंगे, ठीक है, ओके। तो देखो सबसेट ऑफ ए और ओपन और लार्जेस्ट, ये हमको प्रूव करनी है। तो सबसेट ऑफ ए, जो ए नॉट है वो तो ए का सबसेट होता ही है, डेफिनेशन में हमने देखा था, डेफिनेशन लिखने के बाद, ठीक है, जो दो पॉइंट करवाए थे उन दो पॉइंट में जो हमने रिलेशन लिखा था, दूसरा जो पॉइंट था वो रिलेशन यही तो था कि जो ए नॉट है वो ए का सबसेट आया था। तो यहां पे एक चीज तो सीधी होगी डेफिनेशन से ही, प्रूफ बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन से क्या रिजल्ट मिला था हमको, जो ए नॉट है वो ए का सबसेट था, ठीक है। तो ए नॉट ए का सबसेट, ये वाला हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब इसको हम ओपन प्रूव करते हैं और उसके बाद लार्जेस्ट, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट, ये फीका चल रहा है क्या, वी विल शो दैट ए नॉट इज ओपन, ए नॉट इज ओपन, ठीक है। ओपन सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए तो आ चुका, बस ए नॉट को ओपन बताना है, ओके। तो इसको ओपन बताएं, उसके लिए क्या करें, किसी भी सेट को अगर आप ओपन बता रहे हो इसका मतलब वो अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ए नॉट भी अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन जाए, ये हम प्रूव करेंगे, ताकि फिर लास्ट में हम लिख दें कि जो ए नॉट है वो नेबरहुड बन गया तो वो ओपन हो गया, ठीक है। तो इसको अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बनाना है, बताना है। तो यहां से कोई भी एक इसका एलिमेंट लेते हैं, सपोज एक्स लेते हैं ना, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट। अब देखो एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट का मतलब क्या है, दो पॉइंट हमने लिखवाए थे वहां पे, डिस्कशन किया था, क्या किया था, एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट का मतलब है कि जो एक्स है वो ए का लिमिट पॉइंट, अरे इंटीरियर पॉइंट है, ठीक है, दैट इज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है। अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट। तो हमको एक ओपन सेट ऐसा मिलेगा, कम से कम एक ओपन सेट Z बिलोंग्स टू टो ऐसा मिलेगा, सच दैट जो इस कंडीशन को फॉलो करे, किसको, X बिलोंग्स टू Z एंड Z इज द सबसेट ऑफ A, इसको फॉलो करे, ठीक है। यहां पे जो हमको Z सेट मिल रहा है वो कैसा है, ओपन है, ठीक है। लिखो यहां पे, सिंस Z इज ओपन सबसेट ऑफ X, Z X का ओपन सबसेट है ना, ओके। तो Z के जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे A के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, क्यों बनेंगे, देखो एग्जांपल सेकंड जस्ट अभी हमने किया था वो A इक्वल ए सी डी वाला, A में तीन एलिमेंट थे A C D, और वो जो सेट A था है ना वो ओपन सेट Z से ही हमने लिया था, ठीक है। वो तीनों एलिमेंट को कंटेन करने वाला एक सेट पूरे का पूरा था, और लास्ट में हमने डिस्कशन भी किया था कि अगर आपको किसी ओपन सेट दिया गया हो, आपको कोई ओपन सेट दे रखा हो, तो उसके प्रत्येक पॉइंट ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। ए सी डी तीनों पॉइंट बने थे ना इंटीरियर, तो यहां पे जी क्या है, ये भी तो ओपन ही है। अगर ये ओपन सेट है तो इसके जो भी पॉइंट है सारे के सारे पॉइंट ए के इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। तो क्या लिखें, सो एवरी पॉइंट ऑफ Z इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ A, ठीक है।
तो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, क्यों? क्योंकि जी ओपन था, ठीक है। अच्छा अब देखो जी में सपोज वो तीन ही है, ए सी डी, वो मैंने मान लिया कि जी में ये तीन एलिमेंट है, तो ए सी और डी तीनों अगर ए के इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं तो ए सी और डी ये तीनों ही एलिमेंट ए नोट में होंगे, क्यों? क्योंकि ये ए के इंटीरियर पॉइंट बन रहे हैं और ए नोट क्या था? कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। तो ए सी डी किस में बिलोंग करेंगे? ए नोट में बिलोंग करेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि ए नोट में यही हो, कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब जो ए नोट है वो इस जी को कंटेन कर रहा है, मतलब ये पूरे का पूरा जी ए नोट में आ रहा है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट ए नोट में मिल रहे हैं। इसका मतलब ये जो जी है ये ए नोट का सबसेट बन गया, ठीक है। तो क्या लिखें यहां से? लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू जी एंड जी इज द सबसेट ऑफ ए नोट, क्यों? क्योंकि जी ओपन था, ओपन होने की वजह से इसके सारे के सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं, सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं मतलब ए नोट में आ रहे हैं, ठीक है। और ए नोट में अगर ये पूरे इसके सारे एलिमेंट ए नोट में आ रहे हैं और ए नोट में कोई और भी हो सकता है, ठीक है, तो ये ए नोट का सबसेट बनेगा। सबसेट का मीनिंग ये होता है कि इसके सारे एलिमेंट उसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो जी जो है वो ए नोट का सबसेट बन गया, ओके। अब ये डेफिनेशन किसकी आ गई? अगर मैं नेबरहुड की पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ए नोट जो है वो एक्स का नेबरहुड बन गया क्योंकि जी ओपन है और ये कंडीशन हमने प्रूव कर दी है, ठीक है। तो क्या लिखें? हेंस ए नोट इज नेबरहुड ऑफ एक्स, ए नोट एक्स का नेबरहुड आ गया, लेकिन एक्स तो कोई भी पॉइंट हो सकता ना, बट एक्स इज एनी पॉइंट किसका? जहां से हमने लिया था ए नोट से लिया था, एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ ए नोट, एक्स ए नोट का कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ए नोट के हर एक पॉइंट के लिए कंडीशन ट्रू होगी। इसका मतलब ए नोट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन गया। इट मीन्स ए नोट इज नेबरहुड ऑफ इट्स एवरी एलिमेंट या फिर पॉइंट, एवरी पॉइंट, ठीक है। अगर ए नोट अपने प्रत्येक बिंदु का नेबरहुड बन गया, इसका मतलब क्या है? ए नोट कैसा हो गया? फिर ओपन हो गया। हेंस ए नोट इज ओपन। अब ए नोट ओपन हमने प्रूव कर दिया और ए नोट ए का सबसेट आ चुका था। दिस इंप्लाइज ए नोट इज ओपन सबसेट ऑफ ए, ओपन सबसेट ऑफ ए, हमने ये प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया। अब तीसरी कंडीशन लार्जेस्ट वाली बची है, ठीक है, लार्जेस्ट वाली बची है ना, मतलब इसको ए नोट को बड़ा बताना है। किससे बड़ा बताना है? कंपेयर करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, दूसरा सेट तो होना चाहिए, तो दूसरा सेट हम भी लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखो कंपेयर कैसे करनी है, ये कह रहा है लार्जेस्ट का मीनिंग समझो आप कि ए के जितने भी ओपन सबसेट हैं, सपोज तीन सबसेट है ए के ओपन, बी वन बी टू और ये खुद ए नोट, बी वन बी टू और ए नोट, तो तीन जो ए के ओपन सबसेट आपको मिल रहे हैं बी वन बी टू और ए नोट, इन तीनों में ए नोट सबसे बड़ा होना चाहिए। ये तीनों कैसे थे? ओपन थे, ए के ओपन सबसेट थे, है ना, तो इन तीनों में जो ए नोट है वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो एक कंपेयर करने के लिए मैं एक ओपन सबसेट लेके चलता हूं ए का, और उस ओपन सबसेट को मैं बी बोल देता हूं, ठीक है, स्पेस। चलो ट्राई करते, इधर हो जाएगा। लेट बी बी एनी ओपन सबसेट ऑफ ए, ठीक है। अब देखो अगर बी ओपन सबसेट है तो इसके जो भी एलिमेंट आएंगे वो सारे के सारे ए के लिमिट पॉइंट बनेंगे क्योंकि ये ओपन है, जैसे हमने जी के लिए बताया था, ठीक है। तो ये ओपन है तो इसके सारे के सारे एलिमेंट किसके इंटीरियर पॉइंट बनेंगे? ए के इंटीरियर पॉइंट बनेंगे, ठीक है। अगर सारे के सारे ए के इंटीरियर पॉइंट बन रहे, इसके जो भी एलिमेंट है वो सारे ए के इंटीरियर पॉइंट बन रहे, इसका मतलब
ये पूरे का पूरा किस में कंटेन करेगा? ए नोट में कंटेन करेगा। ए नोट क्या था? कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट तो था ऑफ ए, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते ना, जो बी है वो ए नोट में कंटेन कर रहा है, मतलब जो बी है वो ए नोट का सबसेट है। ओके, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इसको सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जो बी है वो सबसेट है ए नोट का और जो ए नोट है वो सबसेट है ए का, ठीक है। या फिर ये मत लिखो आप, यहां से ही पता लग गया आपको, जो बी है वो ए नोट का सबसेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये वाला, इसका सबसेट होने का मतलब ये वाला छोटा है, ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है, इससे बड़ा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इससे छोटा भी तो हो सकता है ना, इसमें मान लो दो ही एलिमेंट है और इसमें सात एलिमेंट है, तो छोटा कौन हुआ? बी हुआ ना। तो ये जो सबसेट है ये किसको डिफाइन कर रहा है? कि ये वाला इससे छोटा है, इसका मतलब ए नोट, ए नोट इससे बड़ा आ गया, जिससे हम कंपेयर कर रहे थे उससे बड़ा आ गया। तो अब ये तो बी था, अब बी की जगह कोई भी ऐसा हो सकता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? Hence, A नोट इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A, जो A नोट है वो लार्जेस्ट ओपन सबसेट होता है A का। ओके, तो ये हमने पहला पॉइंट प्रूव किया है। अब दूसरे वाले को प्रूव करते हैं। अब देखते हैं सेकंड का प्रूफ। ये इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, तो सबसे पहले तो मैं इसको लेके चलूंगा, इसको प्रूव करूंगा, फिर इसका कन्वर्स प्रूव करूंगा, ठीक है। तो पहले मैं ये लेके चल रहा हूं, लेट ए बी ओपन सेट। अगर ए ओपन सेट है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? अगर ए ओपन सेट है तो उस केस में देखो, अभी हमने जी के लिए और बी के लिए देखा था कि जी अगर ओपन है तो जी के सारे एलिमेंट ए नोट में आ रहे थे, यानी जी जो था वो ए नोट में कंटेन कर रहा था, मतलब जी ए नोट का सबसेट था। जो ओपन होता है वो ए नोट का सबसेट बनता है, तो यहां पे ओपन कौन था? कौन है? ए है। तो ए जो है वो सबसेट बनेगा ए नोट का, ए नोट का। और ये डेफिनेशन से हम जानते हैं कि जो ए नोट है वो ए का सबसेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या आ रहा है? ए इसका सबसेट है और ये वापस इसका सबसेट आ रहा है। देखो इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ए ए नोट का सबसेट है, और अब इसको देखो, ए नोट ए का सबसेट है, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल है, ठीक है। तो क्या लिखें? ए इक्वल ए नोट, या फिर ए नोट इक्वल ए, ए की बात है, इक्वल ही तो करना है, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसका कन्वर्स, कन्वर्सली अब की बार मैं ये लेके चल रहा हूं और इसको प्रूव करूंगा, लेट ए नोट इक्वल ए, ए नोट ए के इक्वल है, ठीक है। अब देखो, अभी जस्ट पहले पार्ट में जो ए नोट है इसके बारे में क्या बोल रखा है? जो ए नोट है वो लार्जेस्ट है, ओपन सबसेट है ए का। तो लार्जेस्ट को तो छोड़ो, ओपन सबसेट ऑफ ए ये लिखता हूं मैं ना, इसका मीनिंग ए नोट इज ओपन सबसेट ऑफ ए। अब देखो ए नोट कैसा आ गया? ओपन सबसेट ऑफ ए, अभी हमने प्रूव किया था फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो ए नोट अगर ए का, ए नोट अगर ए का ओपन सबसेट है तो ये वाला किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो अगर ये ओपन सबसेट है और ये इसके इक्वल है तो ये भी कैसा होगा? ओपन होगा, ए इज ओपन सेट, हेंस प्रूव। अब देखते हैं थ्योरम सेकंड। तो अब देखते हैं सेकंड थ्योरम इंटीरियर पॉइंट की। लेट एक्स टॉप बी टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स एंड बी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ एक्स, देन ये वही वाली थ्योरम लग रही है, उसमें बार था क्लोजर वाली में, है ना। करते हैं प्रूव। एक्स नॉट एक्स के इक्वल आना चाहिए, फाइव नॉट फाइव के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। देखो एक्स और फाइव ये ऐसे दो सेट होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, ठीक है। यहां पे नोट में किसको यूज करते हैं? ओपन वाले को यूज करते हैं ना, ठीक है। तो ओपन वाली कंडीशन लेके चलेंगे एक्स और फाइव की। फर्स्ट पार्ट, सिंस एक्स एंड फाइव आर ओपन सेट्स, अगर ये ओपन है देयरफॉर तो क्या होगा? एक्स नोट एक्स की इक्वल आएगा एंड फाइव नोट
फाइव की इक्वल आएगा, क्यों? रीजन बता दो। एज ए इज ओपन सेट इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इक्वल ए, जो पिछली थ्योरम थी उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखा था, ये प्रूव किया था, अगर ए ओपन है तो ये कंडीशन होगी, या फिर ये कंडीशन है तो कन्वर्सली हमने ये प्रूव किया था, ठीक है। तो यहां पे देखो ये दोनों कैसे ओपन है, ओपन है तो एक्स की बात करें तो दोनों जगह एक्स अप्लाई कर दो आप, यानी एक्स नॉट एक्स की इक्वल, ऐसे ही फाइव वाले की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेकंड पार्ट को देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, अगर ए बी का सबसेट है तब प्रूव करो कि ए नॉट बी नॉट का सबसेट आएगा, ठीक है। तो मैं ए नॉट का कोई भी एक एलिमेंट एक्स लेके चलता हूं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए नॉट, ये मैं लेके चला हूं, और इसको काम में लेते हुए मैं एक्स को बी नॉट का एलिमेंट बता दूं, ए नॉट का मैं एलिमेंट लेके चला हूं, बी नॉट का इस एक्स को मैं प्रूव कर दूं कि ये बी नॉट का भी एलिमेंट है, तो ए नॉट बी नॉट का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। काम में मेरे को ये लेना है, तो इसकी मीनिंग लिखो क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, अगर एक्स ए का इंटीरियर पॉइंट है, देयर एग्जिस्ट ओपन सेट जी बिलोंग्स टू टो सच दैट टी नहीं टो जी बिलोंग्स टू टो सच दैट X belongs to Z and Z is the subset of A, ये कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे देखो X belongs to Z, Z is the subset of A, और A किसका सबसेट है, B का सबसेट है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, X belongs to Z, Z A का सबसेट है, A B का सबसेट है, इसका मतलब G B का भी सबसेट होगा, सबसेट ऑफ B। अब यहां पे आप देखो क्या बोल सकते हैं इसको, अगर पॉइंट की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो पॉइंट है ये इस बी का इंटीरियर पॉइंट बन रहा है, ठीक है। और क्यों बन रहा है, क्योंकि जी कैसे ओपन है, बीच वाला ओपन होना चाहिए ना, ठीक है। तो क्या लिखें, दिस इंप्लाइज एक्स इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है, अगर एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, एक्स बिलोंग्स टू बी नोट, एक्स बिलोंग्स टू बी नोट का मीनिंग क्या है, एक्स बी का इंटीरियर पॉइंट है। देखो एक्स ए नोट से लेके चले थे, एक्स को बी नोट का हमने बता दिया, प्रूव कर दिया, इसका मतलब ए नोट बी नोट का सबसेट हो गया, ए नोट इज सबसेट ऑफ बी नोट, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट भी हमने प्रूव कर दिया, अब थर्ड पार्ट को देखते हैं, थर्ड में क्या है, ए नोट यूनियन बी नोट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल नोट, ओके। तो देखो ए यूनियन बी इसका सबसेट ए भी होता है और बी भी होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये कोई एक सेट है और ये भी कोई एक सेट है, अगर ए इसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है, तो दोनों पे नोट लगा सकते हैं ना, तो यूज करो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी, ए नोट और इधर ए यूनियन बी नोट, ठीक है। जैसे मैंने ए यूनियन बी को, मतलब ए को ए यूनियन बी का सबसेट बताया, ऐसे ही बी को ए यूनियन बी का सबसेट बता सकते हैं ना, ठीक है, ओके। क्यों, क्योंकि ये पूरे का पूरा इसमें कंटेन है, ए भी कंटेन था, इसलिए एक बार ए को ले लिया, एक बार बी को ले लिया। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी इसके लिए भी अप्लाई करो, यानी नोट लगाओ बोथ साइड, बी नोट और ए यूनियन बी होल नोट। अब इन दोनों का आपको यूनियन लेना है, ठीक है। तो अगर मैं इनका यूनियन लू तो क्या आएगा, ए नोट यूनियन बी नोट, और इधर ये तो सेम है, ए यूनियन बी होल नोट, ठीक है। चेक करो, ए नोट यूनियन बी नोट, ए यूनियन बी होल नोट। अब फोर्थ और फिफ्थ पार्ट बच गए, तो पहले इसको रफ करते हैं, उसके बाद उनको प्रूव करते हैं। तो देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। यहां पे ए, अब की बार इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन के बारे में आप क्या जानते हो, ये जो ए इंटरसेक्शन बी है, ये खुद सबसेट बनता है ए का बी और बी का बी। तो पहले मैं ए का सबसेट लेके चल रहा हूं इसको, ठीक है। अब सेकंड वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, अगर ए बी का सबसेट है तो दोनों पे नोट अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहां पे नोट अप्लाई करो, ए इंटरसेक्शन बी नोट और ए नोट, ठीक है। अच्छा
ऐसे ही ये मैंने ए का सबसेट बताया, तो ये बी का भी तो सबसेट है, तो क्या लिखें, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी, फिर वो सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज करो, ए इंटरसेक्शन बी होल नोट बी नोट, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो आप, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, ये LHS वाले तो सेम है, ए इंटरसेक्शन बी होल नोट और ये सबसेट का सिंबल और इधर इन दोनों का इंटरसेक्शन, लेकिन यहां पे तो इक्वल है, तो इसको मैंने इसका सबसेट बता दिया और मेरे को इक्वल लेके आना है, तो मेरे को कन्वर्स करना पड़ेगा, इसको इसका सबसेट प्रूव करना पड़ेगा ना, तो उन दोनों से मैं बता दूंगा कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। फर्स्ट, अब इसको अगर मैं इसका सबसेट बता दूं वो सेकंड आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इसका सबसेट बताना है ना, तो उसके लिए देखो ए नॉट बी नॉट के बारे में आप क्या जानते हो, हाँ बिल्कुल जानते हैं डेफिनेशन से, क्या लिखें, ए नॉट जो होता है वो ए का सबसेट होता है और बी नॉट जो होता है वो बी का सबसेट होता है, डेफिनेशन में देखा था हमने, ठीक है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट और ये सबसेट वाला सिंबल ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यहां पे ये आ गया, ये आ गया लेकिन नॉट नहीं है, तो आप बोथ साइड नॉट अप्लाई कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इसको ए सेट मान लो ये बी मान लो, तो ए बी का सबसेट है तो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो क्या लिखें, मैं बोथ साइड नॉट अप्लाई कर रहा हूं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट होल नॉट और इधर ए इंटरसेक्शन बी होल नोट, ठीक है। अब देखो जैसे बार में किसी भी सेट के ऊपर बार लगती है तो उसको क्लोज्ड बोलते हैं, प्रूव भी किया था हमने पहले थोर में ना, क्लोजर वाले में। और बात करें इंटीरियर पॉइंट की, तो इंटीरियर पॉइंट में हम नोट अप्लाई करते हैं, तो जिस भी सेट के ऊपर नोट अप्लाई करते हैं तो उसको हम ओपन सेट बोलते हैं। तो ये कैसा सेट है, ओपन सेट है, ये कैसा सेट है, ओपन सेट है, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, ओपन सेट आएगा। अगर अंदर वाला ओपन सेट है, ठीक है, अगर अंदर वाला ओपन सेट है तो उस पे डॉट लगाओ या ना लगाओ, मतलब इसको मैं हटा सकता हूं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट और ये एज इट इज ए इंटरसेक्शन बी नॉट। रीजन चलो मैं बता देता हूं, एज ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए नॉट इक्वल ए, अगर कोई सेट ओपन है तो उस पे नोट लगाएं, उस पे नोट लगाएं तो वो विदाउट नोट वाले के इक्वल आए। ये हमने प्रूव किया था इसी थ्योरम, मतलब फर्स्ट थ्योरम के सेकंड पार्ट में, ठीक है, बार बार यूज हो रहा है ये। अगर ए ओपन है तो ए नोट ए के इक्वल होता है। तो ये अंदर वाला कैसा था, ये ओपन था, अगर ये ओपन था तो इसकी डॉट के साथ जो वैल्यू आएगी विदाउट डॉट के साथ अंदर वाले को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को मैं डॉट हटा के लिख सकता हूं, तो वो मेन डॉट हटा दिया मैंने और इसको एज इट इज लिखा, इक्वेशन सेकंड आ गया। फर्स्ट और सेकंड से देखो, अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखो, होल नोट वाला इसका सबसेट था और होल नोट वाला वापस इसका सबसेट आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो लिख दें आप ये वाला केस, ए इंटरसेक्शन बी होल नोट इक्वल ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। एक लास्ट पार्ट और बच गया, इसको देख लो फिफ्थ पार्ट, ए नोट, ए नोट के बारे में क्या जानते हो, ये तो ओपन होता है, ठीक है। अगर ये ओपन है तो, अगर ये ओपन है, ए अगर ओपन है तो इसके ऊपर नोट लगाओ, ये ओपन था तो इसके ऊपर मैंने नोट लगाया और इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए के, मतलब जो ओपन था उसी के, तो ओपन कौन था, ए नोट, तो इसी के इक्वल आ गया, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। तो इसी के साथ ये पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है, इंटीरियर पॉइंट कंप्लीट, ओके।